वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। पीसेस देखने को मिलते हैं, इस साल भी बहुत खूबसूरत पीसेस देखने को मिल रहे हैं। इस साल साउथ ज्वेलरी के जो पेंडेंट्स हैं वो हर कैटेगरी में दिख रहे हैं। साउथ ज्वेलरी का एक इन्फ्लुएंस हर कैटेगरी में दिख रहा है इस साल, जो मुझे कभी भी नहीं पहले दिखा। मीनाकारी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है हर कैटेगरी में पहले से ज़्यादा। सो ये दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एन जी ए के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक एन जी ए एवरीवन नोज अबाउट दिस अवार्ड फंक्शन एंड आई मस्ट से दैट थैंक यू सो मच एन जी ए फॉर हैविंग मी योर। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज अ वुमेन बिकॉज हर एक लड़कियों की खूबी होती है और वीकनेसेस होती है एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट। सो एवरी टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट वन स्टेटमेंट पीस एंड दूसरे पर नज़र जाती है लाइक विच वन टू just judge. So it's very difficult and they have 16 different categories and all over India se alag alag jewelers aaye hain and they have served their best. Now let's see, may the best one win. Personally Indian mein temple hai, so temple mein bahut create karne mein bahut difficulty hoti hai. They had some amazing piece, long chain with the pendant on it. You'll see the piece definitely, it's amazing. And old is gold and gold is never old. So yeah, thoda sa bridal jewelry mein hame difficulty hui, mujhe bahut difficult laga because everything was very authentic and India ka swad tha. एन जी ए के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई फील दैट इट शुड गो बिगर एंड बेटर। सारे जितने भी ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, यू नो द ब्रांड्स, दे आर ऑल हियर एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।